योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद आज उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक की है। बैठक में उन्होंने कई मुद्दों पर फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद सहारा समय के एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने राज्य मंत्री दानिश आजाद से बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दानिश जी, जो कि मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान संभालते रहे हैं। अचानक आप मंत्रिमंडल में, क्या आपको उम्मीद थी ऐसी? ये तो संगठन का निर्णय है और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और संगठन के महामंत्री सुनील बंसल जी, हमारे अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, इन सबको लगा होगा कि इस युवा कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने मुझे इतनी महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। और निश्चित तौर पर ये तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी पार्टी है विश्व की जिसमें अगर कार्यकर्ता मेहनत से लगन से काम करेगा तो वो संगठन उसको कहीं भी पहुंचा सकता है। बिल्कुल, आप युवा हैं, बड़ा भरोसा जताया है दानिश जी। जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा भरोसा, और निश्चित तौर पे जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, निष्ठा से जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करूंगा और सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैं ग्राउंड तक पहुंचाने का काम करूंगा। सारे समय की तरफ से दानिश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। दानिश जी हैं, युवा चेहरे हैं, अल्पसंख्यक विभाग के संगठन में महामंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं और मौजूदा समय में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हुए और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही अगले उच्च सदन में इनको स्थान दिया जाएगा। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र के साथ आलोक गुप्ता।